नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रहा है सावन का महीना। जातीय गणना पर आज भी पटना हाई कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। ककोल जलप्रपात का इको टूरिज्म के तौर पर हो रहा विकास। बेंगलुरु में अब इस दिन होगा विपक्षी दलों का महाजुटान। मुकेश कुमार ने एमएस धोनी से मिली महत्वपूर्ण सलाह का किया खुलासा। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1000 रिक्त पदों पर निकली भर्ती। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मैनेजर स्किल 2 के 1000 रिक्त पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों ने CA IIB भी उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा अभ्यर्थी की आयु 31 मई 2023 के अनुसार 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी 95 लोगों की समस्याएं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 95 लोगों की समस्याएं सुनी और उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान एक फरियादी के द्वारा सीएम नीतीश को बताया गया कि वह अपनी जमीन में मकान का एक्सटेंशन कराना चाह रहा है, लेकिन पड़ोसी द्वारा एक्सटेंशन कराने नहीं दिया जा रहा। वहीं बेगूसराय से आई एक फरियादी ने कहा कि दबंगों ने उनके जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन्हें तंग किया जा रहा। प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गोपालगंज जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि मेरी बहन की दहेज के कारण हत्या कर दी गई है। थाने में शिकायत करने पर भी अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। सिवान जिला से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि थाना में मामला दर्ज है। वर्ष 2021 से विपक्ष द्वारा केस को हटाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा और कहा जा रहा है कि अगर केस को नहीं हटाया गया तो जान से मार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इन समस्याओं समेत कई अन्य समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया गया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या निगम के बारे में। ऐश्वर्या निगम का जन्म आज ही के दिन 1989 में हुआ था। यह एक भारतीय गायिका हैं। उन्हें हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायक के रूप में जाना जाता है, खासकर दबंग जैसी फिल्मों के लिए। दबंग के गाने मुन्नी बदनाम हुई के लिए उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। ऐश्वर्या निगम ने 2006 में GTV के लिए संगीत प्रतियोगिता सारे गामा पा एक मैं और एक तू में भाग लिया था। 24 जून 2006 को निगम और उज्जैनी मुखर्जी को विजेता घोषित किया गया। ऐश्वर्या निगम स्टार प्लस चैनल पर एक गायन प्रतियोगिता जो जीता वही सुपरस्टार के प्रतियोगियों में से एक थी। उन्होंने चैंपियंस टीम का प्रतिनिधित्व किया। वह IPL रॉकस्टार के शीर्ष 3 फाइनलिस्टों में से एक थे। उन्होंने NDTV इमेजिन पर एक डेली सोप सीजन 1 और 2 के लिए कितनी मोहब्बत है का शीर्षक ट्रैक गाया। उन्होंने ललित पंडित, अनु मल्लिक, प्रीतम, साजिद वाजिद, समीर टंडन जैसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है। आज से शुरू हो रहा है सावन का महीना। आज यानी कि 4 जुलाई से भगवान शिव का पसंदीदा महीना की शुरुआत हो गई है। ऐसा कहते हैं कि इस दौरान जो भी भगवान शिव की भक्ति करता है उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। बता दें कि इस बार सावन पूरा 2 महीने तक रहने वाला है और साथ ही इस बार सावन में 8 सोमवार व्रत भी पड़ने वाले हैं। 2023 में सावन का महीना आज यानी कि 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक रहेगा। सावन में 8 सोमवार व्रत, 9 मंगला गौरी व्रत, 2 शिवरात्रि, 4 प्रदोष व्रत पड़ेंगे। सावन शिवरात्रि 15 जुलाई और 14 अगस्त को पड़ेगी। नाग पंचमी 21 अगस्त को है। इस बार सावन का महीना बहुत ही खास है क्योंकि 19 वर्षों के बाद सावन 2 महीनों के लिए आया है। बता दें कि सावन के दौरान भगवान शिव को उनकी प्रिय चीज अर्पित की जाती है जिनमें से बेलपत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त नंगे पांव हाथ में कांवड़ लेकर बाबा धाम जाते हैं और गंगा की पवित्र नदी से उनका जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर कांवड़ियों को ठहरने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं जिनमें दवा, एम्बुलेंस, पेयजल, रोशनी समेत कई सुविधाएं शामिल है। कांवड़ियों के लिए जगह जगह धर्मशाला और शेल्टर तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही रेलवे की ओर से भी कांवड़ियों को कई सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी 305 पुलिस अफसरों, सुरक्षा के लिए महिला व लाठी धारी सहित 2000 से अधिक पुलिस फोर्स, 2500 होमगार्ड और बिहार स्टेट आर्म्ड पुलिस की कुल 11 कंपनियों की तैनाती मुख्यालय स्तर पर की गई है। बिहार में बिजली की आधारभूत व्यवस्था होगी मजबूत।
बिजली कंपनियों की ओर से एक विस्तृत खाका तैयार कर उस खर्च की अनुमति मांगी गई है जो बिहार में बिजली के आधारभूत पुनर्विकास, कृषि विद्युत कनेक्शन और स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर अगले 2 वर्षों में खर्च किए जाएंगे। बता दें कि इन सभी कामों को करने के लिए 2 वर्षों में करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 10,000 करोड़ साउथ बिहार को तो 14,000 करोड़ रुपए नॉर्थ बिहार में इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि योजना के मुताबिक साउथ और नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टेट प्लान रिकंडक्टरिंग प्रोजेक्ट के तहत बिजली की आधारभूत व्यवस्था को मजबूत करने में 7,650 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। वहीं अगर खेत की सिंचाई अभियान के तहत कृषि कनेक्शन दिए जाने को लेकर अलग से आधारभूत व्यवस्था तैयार करने पर करीब 1,329 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। वहीं RDSS व स्मार्ट मीटर स्कीम पर 15,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। अब संकरी गलियों में नहीं बनेंगे BSEB के एग्जाम सेंटर। कई बार राज्य में मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए ऐसे सेंटर दे दिए जाते हैं जहां वाहनों का जाना मुश्किल होता है। इसी को लेकर BSEB के सामने यह मुद्दा उठा। ऐसे में अब BSEB की ओर से निर्देश दिया गया है कि इस बार संकरी गलियों में परीक्षा के लिए सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। इसके लिए इस बार परीक्षा में 2-2 नोडल और तकनीकी पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो परीक्षा से पहले दोनों स्तरों पर स्कूलों की जाँच करने का काम करेंगे और उसके बाद ही परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार बिहार बोर्ड के 9वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन प्रीपेड होगा, यानी कि छात्रों को नामांकन के समय रजिस्टर्ड छात्रों की सूची और फीस प्रिंसिपल के पास जमा करनी होगी, जिसके बाद बोर्ड की ओर से एक टोकन दिया जाएगा और उतने ही बच्चे बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जबकि पहले नामांकन के बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता था और उस समय ही शुल्क दिया जाता था। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर राज्य में लागू होगा पटना मॉडल। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था में पारदर्शिता लाया जा सके, इसके लिए पूरे राज्य में पटना मॉडल को लागू किया जाएगा, यानी कि अब राज्य के हर जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना की जाएगी। बता दें कि राज्य के 20 जिले ऐसे हैं जिन्हें ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। मालूम हो कि विभाग की ओर से सबसे पहले इस व्यवस्था की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार की राजधानी पटना में की गई थी, जिसमें सफलता मिलने के बाद अब इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के लिए राज्य के 10 जिलों में जमीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही ये योजना। IPRD बिहार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि लाना तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को उच्चतर शिक्षा के अवसर मुहैया कराने हेतु स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र छात्राओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार के छात्र छात्राओं को https://www.7nishchay-yuva-upmission.bihar.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। बिहार में बढ़ा कोर्ट मैरिज का चलन। पहले की भांति अब युवाओं में शादी को लेकर बैंड बाजा का क्रेज घटता नजर आ रहा है। बता दें कि अब युवाओं के बीच कोर्ट मैरिज का ट्रेंड बढ़ रहा है। युवा शांति से शादी को निपटाना चाह रहे हैं, यही वजह है कि कोर्ट मैरिज की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। दरअसल आज के युवा कोर्ट मैरिज को आसान व बजट फ्रेंडली देखने लगे हैं। इसके साथ ही शिक्षा का स्तर बढ़ने से कोर्ट मैरिज वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो पटना अवर निबंधन कार्यालय में इस साल 24 जून तक 757 युवाओं के द्वारा कोर्ट मैरिज शादी की गई है, जबकि विवाह के बाद निबंधन कराने वालों की संख्या 590 है। वहीं अगर हम पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2022 की बात करें तो उस दौरान कोर्ट मैरिज करने वालों की संख्या 1440 रही, तो वहीं विवाह के बाद निबंधन करवाने वालों की संख्या 1212 रही। जातीय गणना पर आज भी पटना हाई कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा बीते दिन बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई आज भी यानी कि 4 जुलाई को भी जारी रहने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था और दोबारा पटना हाई कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। मालूम हो कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 जुलाई 2023 को होने वाली है। मालूम हो कि 9 मई को पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार 10 मई को सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। ककोल जलप्रपात का इको टूरिज्म के तौर पर हो रहा विकास।
नवादा के ककोला जलप्रपात को इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो कि नेचर सफारी व जू सफारी की तर्ज पर प्रकृति व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा रहा। बता दें कि इसके लिए 14,95,00,000 के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे कि दो चरणों में ककोला जलप्रपात का विकास किया जाएगा। बता दें कि पहले चरण के तहत नवादा वन विभाग निर्माण कार्य एजेंसी के द्वारा 6.59 करोड़ रुपए से रॉक स्टेबलाइजेशन, मुख्य द्वार, पर्यटकों के लिए टॉयलेट का निर्माण व कुंड आदि का सौंदर्यकरण किया जा रहा, जो कि लगभग अंतिम चरण में है। बता दें कि सबके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ककोलत में ऑटो रिवर्स एस्केलेटर निर्माण को योजना की स्वीकृति दी गई थी। राज्य में बारिश को लेकर दो दिनों तक येलो अलर्ट जारी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश के लगभग जिलों में जल जमाव जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे में आईएमडी बिहार के द्वारा राज्य में दो दिनों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि आईएमडी बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 4 जुलाई को राज्य के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, शिवहर और दरभंगा जिलों में एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कल यानी कि 5 जुलाई की बात करें तो राज्य के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, अररिया और किशनगंज जिलों के एक दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बिहार आईटीआई सीएटी का रिजल्ट जारी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड के द्वारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट के लिए रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और साथ ही रैंक भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वे आधिकारिक वेबसाइट bcecboard.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और साथ ही अपना रैंक डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर व डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। मालूम हो कि अभ्यर्थी अपना यह रिजल्ट दो तरीके से देख सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका जिलावार रैंक कार्ड है तो वहीं दूसरा तरीका मेरिट रैंक कार्ड है, जिससे कि अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नालंदा में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 11 लाख की लूट। बीते दिन कुछ नकाबपोश बदमाशों के द्वारा हथियार के बल पर बिहार के नालंदा के नगरसोना थाना क्षेत्र के महमूदपुर रामघाट स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 11.30 लाख रुपए लूट लिए गए, जिसके बाद जैसे ही इस घटना की जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारी को मिली तो मौके पर पहुंच घटनास्थल की जांच की गई। बता दें कि इस घटना को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके अनुसार लंच के बाद बैंक का काम शुरू हुआ था और उस वक्त बैंक में 3 लोग मौजूद थे। तभी 2 बाइक पर करीब 6 से 7 व्यक्ति सामान्य ग्राहक की तरह आए, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मियों को उन पर शक हुआ। उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए तो अपराधियों ने बताया कि एटीएम कार्ड लेना है। उतने ही देर में दूसरे अपराधी भी पहुंच गए और हथियार निकालकर करीब 11.30 लाख रुपए लेकर चले गए। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिहार योग्य विद्यालय के बारे में। बिहार योग भारती एक आश्रम के वातावरण में योग के अध्ययन के लिए समर्पित है। 21वीं सदी के भौतिक और तकनीकी रेगिस्तान में एक आध्यात्मिक नखलस्थान प्रदान करते हैं। योग विज्ञान में उन्नत अध्ययन संस्थान बिहार योग भारती पूरी तरह से योग के विषय के लिए समर्पित दुनिया में अपनी तरह का पहला है। यह पटना से लगभग 172 किलोमीटर दूर एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र पर मुंगेर में गंगा दर्शन परिसर के भीतर स्थित है। यह गंगा नदी की अनदेखी पहाड़ी के ऊपर है। स्वामी निर्जानंद सरस्वती ने अपने पूर्ववर्तियों के आशीर्वाद से 1994 में बिहार योग भारती की स्थापना की, जिससे आध्यात्मिक दृष्टि के साथ अकादमिक और वैज्ञानिक पद्धति को जोड़कर योग विज्ञान के कुलदारी को संरक्षित और पुनर्जीवित किया जा सके। बिहार योग भारती नालंदा और विक्रमशिला सीखने के दो महान आध्यात्मिक केंद्रों की तर्ज पर स्थापित किया गया है। आश्रम स्थित यह संस्थान व्यापक योग शिक्षा प्रदान करने वाला दुनिया में अपनी तरह का पहला संस्थान है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छाए बिहार के लाल धनंजय कुमार। बिहार के लाल धनंजय कुमार के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को लेकर अमेरिकी न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। बता दें कि धनंजय कुमार पद्मश्री से सम्मानित आनंद कुमार के शिष्य हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। मालूम हो कि वर्तमान में धनंजय कुमार बिहार में हजारों बच्चों को सिविल सेवा के क्षेत्र में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से मार्गदर्शन करा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य राज्य के सुदूरवर्ती गाँव देहात के उन बच्चों को सिविल सेवा परीक्षा में मार्गदर्शन करना है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मालूम हो कि उनके संस्थान से बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के छात्र सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए जुड़े हैं। बता दें कि धनंजय कुमार खुद भी एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं। सीएम नीतीश की जीवनी पर आधारित पुस्तक का हुआ लोकार्पण। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवनी पर आधारित पुस्तक अंतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश
का लोकार्पण किया गया। बता दें कि इस पुस्तक के लेखक उदयकांत मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। मालूम हो कि इस दौरान लालू प्रसाद यादव के द्वारा सीएम नीतीश को लेकर कहा गया कि नीतीश कुमार साधारण घर से निकले हुए हैं। उनके पिताजी वैद्य थे। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद सभी लोकसभा से लेकर विधानसभा तक विरोधी दल की पद खाली हो गई थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने मेरे पक्ष में खड़ा होकर नेता विरोधी दल मुझे बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे अभिन्न मित्र छोटे भाई नीतीश कुमार के ऊपर उदयकांत जी ने उनकी जीवनी के संबंध में पुस्तक लिखी है और मुझे लोकार्पण करने का मौका दिया है। बेंगलुरु में अब इस दिन होगी विपक्षी दलों का महाजुटान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई विपक्षी दलों की बैठक के दूसरे चरण में बार बार बदलाव किया जा रहा है। बता दें कि अब इस बैठक को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब यह बैठक बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को होने वाली है। हालांकि स्थिति को लेकर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा। बता दें कि इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा कि पटना में बेहद सफल रही विपक्ष की बैठक के बाद हम 17 और 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में अगली बैठक करेंगे। हम फांसी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने और देश को आगे ले जाने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के अपने अटूट संकल्प पर कायम है। बीजेपी के खिलाफ लालू यादव का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में हुए फेरबदल को लेकर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी क्या चीज है। उन्होंने कहा कि शरद पवार एक ताकत का नाम है जिसे हिलाने का काम किया जा रहा है। शरद पवार की अपनी शक्ति और हैसियत है। शरद पवार के सामने भाजपा फेल हो जाएगी। शरद पवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बिहार में बीजेपी का खेल नहीं चलने वाला। बीजेपी का सफाया हो रहा है। उन्होंने कहा कि शरद पवार एक ताकत है जिसे नरेंद्र मोदी ने हिलाने की कोशिश की है। इस कोशिश में वे सब फेल हो जाएंगे। वह मजबूत नेता है और उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम नरेंद्र मोदी का सफाया करते रहेंगे। सुशील मोदी का सीएम नीतीश पर हमला किए ये दावा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए दावा किया गया है कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जेडीयू में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जेडीयू का विधायक या सांसद न राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। सांसदों को मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछले बार 17 मिली थी, क्योंकि इस बार जेडीयू को 17 सीट मिलेगी। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में कभी भी विधायकों और सांसदों को मिलने का समय नहीं दिया। लोगों को साल भर इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक और सांसद को 30 मिनट दे रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तभी से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई ने इस मामले को लेकर दाखिल की चार्जशीट। सीबीआई के द्वारा दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। बता दें इस मामले को लेकर लालू परिवार पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई के द्वारा दायर किए गए इस आरोप पत्र पर अभी सुनवाई की कोई तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले पर पहले से ही 12 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में यह घोटाला 14 साल पहले हुआ था, जिसको लेकर सीबीआई के द्वारा 18 मई 2022 को केस दर्ज किया गया था। मुकेश कुमार ने एमएस धोनी से मिली महत्वपूर्ण सलाह का किया खुलासा। बिहार के लाल और दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। वहीं मुकेश कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रगति के बारे में बताया और साथ ही महेंद्र सिंह धोनी से मिली महत्वपूर्ण सलाह का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से धोनी भैया से मिलना चाहता था और कुछ चीजें पूछना चाहता था। यह आईपीएल के कारण हो सका। मैं उनसे मिला और पहली बात पूछी कि वो कप्तान या विकेटकीपर होने के नाते अपने गेंदबाज से सबसे पहले क्या कहते हैं। एमएस धोनी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं हर गेंदबाज से यह कहता हूं कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि आपको वो ही करने की जरूरत है जो आप चाहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि नतीजे की परवाह नहीं करो, बस जाओ और कोशिश करो। उन्होंने यह बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझाई। मैं दिल्ली कैपिटल्स का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आईपीएल से बहुत कुछ सीखने को मिला। आईपीएल से पहले मैंने रणदीप भैया से बातचीत की थी कि दबाव को कैसे संभालना है। ईशांत शर्मा ने मेरी काफी मदद की। इस तरह गेंदबाजी कर, इस एंगल से गेंदबाजी करने की कोशिश कर, पिच पर कहां गेंदबाजी डालने की कोशिश करो, यह सब ईशांत शर्मा ने सिखाया। उन्होंने मुझे अपनी गेंदबाजी में ज्यादा से ज्यादा शैली विकसित करने को कहा।
भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मराठा सेना ने 1760 में दिल्ली पर कब्जा किया। मीर जाफर के बेटे मीरान की 1760 में गंडक नदी के किनारे बिजली गिरने से मौत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1789 में पेशवा और निजाम के साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ संधि की। दूसरे हावड़ा ब्रिज नाम से कोलकाता में मशहूर विद्यासागर सेतु का निर्माण 1979 में शुरू हुआ। भारत द्वारा पाकिस्तान के नागरिकों बंदियों की रिहाई के निर्देश 2001 में हुए। महेश भूपति और मेरी पियर्स ने 2005 में विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता। भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म 1898 में हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का जन्म 1916 में हुआ। भाषा विज्ञान, कोश निर्माण, पाठालोचन, अनुवाद और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले भारतीय विमलेश कांति वर्मा का जन्म 1943 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के अभिनेता सुशील कुमार का जन्म 1945 में हुआ था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद का निधन 1902 में हुआ था। बॉलीवुड फिल्म जगत के प्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास का निधन 1982 में हुआ था। आज के दिन को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बालघर में आज हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक लिंक के साथ एक संदेश गरीब वर्ग को सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय के नाम पर 32,849 रुपए का लाभ देने का दावा करता है और प्राप्तकर्ता के व्यक्तिगत विवरण भी मांग रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि संदेश फर्जी है। फिनमैन इंडिया द्वारा ऐसे किसी लाभ की घोषणा नहीं की गई है। व्हाट्सएप अपने यूजर इंटरफेस में कर रहा बड़ा बदलाव। व्हाट्सएप पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि व्हाट्सएप रीडिजाइन किए गए स्विच और फ्लोटिंग एक्शन बटन पेश करके एक नया एडिटेड इंटरफेस जारी कर रहा है। रिपोर्ट से पता चला है कि यह मटेरियल डिजाइन 3 नियमों के साथ ऐप को फिर से डिजाइन करने की उनकी परियोजना का हिस्सा है। ये डायलॉग एक दूसरे से अलग है। पिछले अपडेट में व्हाट्सएप में अलर्ट के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरफेस था। WA बीटा इन्फो ने कहा कि यह डिजाइन यूजर इंटरफेस को भी बेहतर बनाता है। इसके साथ ही व्हाट्सएप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस नए फीचर में यूजर्स को इमोजी बार का स्क्रॉल अप कर सकते हैं। इससे यूजर्स को वाइड व्यू मिलेगा। इसके साथ ही इमोजी स्टिकर और अवतार के लिए अलग अलग टैब दिया गया है। नए फीचर के साथ यूजर्स व्हाट्सएप के इमोजी बार को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर पाएंगे जिससे उन्हें वाइडर व्यू मिलेगा। बीते दिन मधुरा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मधुरा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, मुटू रंगीला, मृत्युंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार, वेद प्रकाश सिंह, उदय कुमार पासवान, अमन कुमार, अभय पटनक, मोहम्मद इरशाद आलम, अतीक खान, बाबूलाल मरांडी, सुनील कुमार, अनवर करीम खान, मुन्ना कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में शिव भगवान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देखकर चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।